गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अगर इंस्टा पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशर। और यार काफी लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दे ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन आ सके। बिल्कुल। तो अब आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। आज हम देखने लगे हैं, इससे पहले हमने पटना सिटी देखी थी वजाहत। बिल्कुल। आज हम देखेंगे मुंबई सिटी, द सिटी ऑफ ड्रीम्स जिसको बोला जाता है। और वाकई हर कोई अपना सपना साकार करने मुंबई आता है, ये तो हम मूवीज में भी सुनते आ रहे हैं और हर जगह यही चीज के मुंबई जाते हैं लोग। तो मुंबई वाकई में बहुत ही ज्यादा यार, जैसे मिनी न्यूयॉर्क आ जाता है। हाँ वही। तो जल्दी से बिना किसी देरी के देखते हैं, अभी ये 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, तो देखते हैं 2021 में कैसा लगता है, चेंजिंग कितनी है, कितनी चेंजिंग हो गई है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियो बनाते हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। It's 1 o'clock in the night। अबे ये रात का 1 बज रहा है, लग ही नहीं रहा। और लोग कितने घूम रहे, मुझे यूं लगा शाम बन रही है। खुद ही लग, इतने लोग घूम रहे थे रात को भी। ओए मुंबई सिटी। अब क्या है कि ये जिंदगी सवाल है। यार क्या लुक है यार। ओ भाई लुक देखे तो वहां से यार कमाल। मुंबई की लाइटनिंग का शो है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द कंट्री आफ्टर दिल्ली एंड 7 मोस्ट पॉपुलर, मतलब 7 नंबर पे दुनिया की आती है। वो देख पूरा बिल्डिंग पे जो फ्लैग लगा हुआ था, वो डेवलप है यार। ये तो अभी कंस्ट्रक्शन कितना स्टार्ट, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी नाइट भी देखा ना कितना। हाँ ना, ट्रेन चल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दैट इज द रिचेस्ट सिटी एंड थर्ड रिचेस्ट सिटी, 12वें नंबर की रिचेस्ट सिटी, टॉप 20 में आता है भाई। और इंडिया की सबसे ज्यादा रिचेस्ट है। हाँ। ये मोनो रेल है ना? नहीं मेट्रो। नहीं वो मोनो रेल लग रही थी। अच्छा। ओ यार ये वो है इंडिया के, नहीं वो तो दिल्ली में है। मुंबई वाकई एक अलग दुनिया लगती है यार, सीरियसली इतना मतलब ज्यादा डेवलप है बहुत। मतलब यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा महंगा है। मुंबई महंगा यार, ये बात है। तभी तो इसको ये चीज आलीशान। ये देख यहाँ ऐसा लुक सीधा एक न्यूयॉर्क का भी रिवर्स है। बिल्कुल। अक्सर हमने मूवीज में देखा है। ये देखो डबल डेकर बस। डबल डेकर बस पे जो बेरान हो रहा है वो तो कब से चल रहा है। ये देखो ये तो आम चीज है। इधर पहले चलती थी फिर खत्म हो गई, उधर चलना स्टार्ट हुआ। हाँ अभी काफी रात और ट्रैफिक है। मुंबई का मेट्रो बहुत छोटा है, ज्यादा तो बड़ा है मुंबई का। भाई यहाँ पे अमीर बंदी रह सकते हैं। अमीर भी मतलब यार हर तरह के लोग रह सकते हैं। देख इसी से थ्री यार ये वीडियो खत्म। एरिया वाइज पे डिपेंड करता है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखो जात कोई भी सिटी उस लिहाज से रहने को तो ना बंदा रह सकता है, लेकिन हाँ इंडिया की और सिटीज के मुकाबले में काफी महंगा। हाँ। ये तो बात है, मतलब और इंडिया के जो सिटीज हैं उनके मुकाबले में काफी ज्यादा ये महंगा है। मुंबई का लाइफस्टाइल बिल्कुल जिस तरह यूरोप का माहौल है उस तरह का माहौल है। यूरोप वाला माहौल है। और यार बाकी यार मतलब ये मुंबई एक
अलग सिटी लगता है यार बहुत, और बहुत ही ज्यादा यार। खाली मुंबई की जीडीपी तुझे पता है 400 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से कितनी ज्यादा, और वो देख और उसमें जिस तरह से इन्होंने बताया कि दुनिया का 12वां अमीर तरीन, दुनिया का 12वें नंबर पे आता है और इंडिया का फर्स्ट नंबर पे, बिल्कुल, और पॉपुलेशन के हिसाब से 7वें नंबर पे, पॉपुलेशन के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से दूसरे नंबर दूसरे पे। तो यार यही वाली चीजें जो है मुंबई को अलग मतलब लुक देती है। और अभी ये रिसेंटली ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने देखा है काफी बिल्डिंग्स में काम स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है इंडिया में, मतलब मुंबई में खास तौर पे ना, तू जब भी देखेगा उधर बिल्डिंग कोई ना कोई बन रही है यार, मतलब है वो बिजनेस एरिया है किस्म का, मतलब सारे अमीर तरीन लोग उधर रहते हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट उधर हो रही होती है, कोई ना कोई रेजिडेंशियल एरियाज बनते हैं, तो तू खुद अंदाजा लगा यार। और इन्होंने जिस तरह बात की इंडिया के सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स उधर रहते हैं, मुकेश अंबानी को देख रहे सबसे पहले, वो उन्होंने अचीव कर लिया 100 बिलियन का, अचीव कर लिया उन्होंने, पहला इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। आई थिंक डॉलर क्या बिलियन डॉलर नहीं है, अचीव कर लिया टारगेट और पहले इंडियन बन चुके हैं इस टाइम पे। ये मैंने कल परसों न्यूज देखा है आर्टिकल, अंदाजा लगा ले। और तू इसका मतलब कि मुंबई के लाइफस्टाइल से अंदाजा लगा, मतलब यहाँ पे तुझे सस्ती सस्ती चीज मिलेगी और महंगी से महंगी चीज मिलेगी। टावर पहले 2 बिलियन का था, अभी तो 3 का हो गया होगा। हाँ, महंगा हो गया जिस तरह का वो टावर है अभी। और यार मतलब हर तरह के अमीर लोग हैं, तू देख ले बिल्डिंग्स देख ले उधर की, तू हर तरह का उधर सिस्टम देख ले तो तू खुद अंदाजा लगा उधर इलीट क्लास के लोग रहते हैं, जो सीधी सी बात कोई शक नहीं है। और लेकिन अपने मतलब वो ये नहीं है कि मतलब गरीब भी है, गरीब भी होते हैं है, क्योंकि तू जाके न्यूयॉर्क में देख ले या तू शंघाई तू मिलेंगे यूरोप में भी देख ले, हर अमीर सिटी में तुझे गरीब भी मिलेंगे। उधर ये वाली जो चीज है ये दुनिया के साथ चलती आ रही है। और जो अमेरिकन या फॉरेनर्स आके कहते हैं इंडिया के मुंबई के, देखो स्लम एरिया से, तो अपने भी जरा वो लोग तो खाली स्लम एरिया से बताते हैं, लेकिन मुंबई फुल देख ली तो उन लोगों खुद आगे जान बूझ के मस्ती करते हैं। और क्या तुझे क्या लगता है, वही ना तुझे क्या लगता है कि न्यूयॉर्क के अंदर स्लम एरियाज नहीं होंगे? होंगे ना यार, नहीं होंगे भाई, मतलब आप निकाल तो सकते नहीं है किसी को, वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपको ये न्यूयॉर्क मतलब कि मुंबई का व्यू कैसा लगा? न्यूयॉर्क यार मेरा मुंह से निकल गया, कैसा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।